गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आई एम निशा शर्मा फ्रॉम आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। अपनी जो एक्सरसाइज थी 9.3 थी वो कंप्लीट हो गई है, मैंने जो पिक्चर सेंड की थी, सो ऑल स्टूडेंट ने वो वर्क कंप्लीट किया होगा। यस मैम। आप पेज नंबर अपना है 108, बुक में ओपन करो पेज नंबर 108। देवांग, देविक, आप बेटा फर्स्ट क्लास को ज्वाइन करो। आप ये थर्ड क्लास चल रही है, रजनी मैडम वाली क्लास ज्वाइन करो। मैम। यस बेटा। मैम है ना 9.3 है ना, उसके अंदर जो आपने वो ना आपने कहा था ना छुट्टी वाले टाइम आप करवाओगे वो वाला है ना, मैंने नहीं करा मैम क्योंकि मेरा ये करा हुआ था। बेटा मैंने पिक्चर सेंड की थी ना, उसमें देखो सेकंड वाला क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है, ठीक है? देख के उसमें से। यस मैम। ठीक है चलो, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट है। फिगर्स थ्रोट विच इन लाइन कैन बी ड्रॉ टू डिवाइडेड देम इनटू टू इक्वल हाउस आर कॉल्ड सिमेट्रिकल फिगर्स। सिमेट्रिकल का मतलब है जैसे अपना ये क्या है, कौन सी शेप होगी, अपनी रेक्टेंगल की शेप है। सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि जो फिगर्स होता है उसको टू पार्ट में इक्वल क्या करना है, अपने को डिवाइड करना है, यानी टू पार्ट में इक्वल क्या करना है, डिवाइड करना है। यानी सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि अभी ये समझाने के लिए बेटा मिस्ट्री आप बीच में बोलोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। अपना ना माइक ऑफ रखो, ठीक है? लास्ट के 5 मिनट में आप मेरे से पूछ सकते हो। तो वो क्या कहलाता है अपना सिमेट्रिकल फिगर। अब यहाँ पे देखो ये शेप बनी है, ठीक है, बनी है। अब इसको सिमेट्रिकल पार्ट में इसको क्या करना, अपने को डिवाइड करना है। यानी ये देखो कि वन पार्ट यानी टू इक्वल पार्ट में ये क्या हो गया, अपने पास में डिवाइड हो गया। अब नीचे वाली शेप में यही बताया गया है, एक्सरसाइज 9.4 में देखो नीचे, Does the dots line divided each of the following figures into two similar halves? If the figure is symmetrical, put a tick. और जो इसमें जो symmetrical नहीं है उसपे क्या करना, अपने को wrong करना है। तो first में देखो अपना exercise 9.4। first question में आपको एक शेप दे रखी है, शेप। अब उसमें उसको क्या कर रखा है, पार्ट को क्या कर रखा है, सिमेट्रिकल में डिवाइड कर रखा है। क्या देखो ऐसे लगा रखा है, उसमें आपको क्या है, यस है या नो है, तो इसमें क्या आ जाएगा, क्रॉस आएगा, क्योंकि इसमें इक्वल पार्ट में ये डिवाइड नहीं है, इक्वल पार्ट में ये डिवाइड नहीं कर रखा, तो इसपे क्या आएगा अपना रोंग। सेकंड वाले में ये वाली शेप दे रखी है, उसके बाद में सिमेट्रिकल देखो कि टू पार्ट्स क्या है, दोनों इक्वल पार्ट आ रहे हैं, तब यहां क्या आ जाएगा अपना राइट, क्या आएगा राइट। थर्ड वाले में अब यहाँ पे इसको बीच में जो सेम अपना पॉइंट्स है वहां पे इसमें क्या कर रखा है, इसको सिमेट्रिकल बना रखा है, तो इसका मतलब ये क्या है। यस बेटा, आप नोटबुक में लिखवा रहे हो क्या? अभी बेटा बुक में करवा रहे हैं, उसके बाद आपको नोटबुक में करने, पहले बुक में फिल कर लो आप लोग, है ना, पहले बुक में ऑल स्टूडेंट फिल करेंगे। तो अब इसमें क्या आ जाएगा अपना रोंग। और जो फोर्थ वाला बना रखी है उसमें पिक्चर्स, उसमें क्या आ जाएगी अपनी राइट आएगा। फोर वाले में क्या करना है आपको राइट, ठीक है, 1 2 3 4। फर्स्ट वाले में क्रॉस आएगा, फिर राइट आएगा, फिर क्रॉस आएगा, उसके बाद में राइट आएगा, ठीक है। बुक में करो ये वाला, कंप्लीट हुआ बुक हिति का? यस मैम। चलो नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन
इसमें एक्सरसाइज 9.4 में ओनली वन क्वेश्चन है। अब इस एक्सरसाइज का क्या आ गया अपने पास में, सम अप करना है अपने को, तो फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो फर्स्ट में क्या पूछा है, ए ट्राइंगल हैज साइड्स एंड वर्टिकल, वर्टेक्स कितने होते हैं, एक ट्राइंगल के कितनी साइड बताई थी मैंने, थ्री साइड। ये ट्राइंगल बना हुआ है, देखो ये क्या है, ट्राइंगल है, इसके कितनी साइड्स बनी हुई है अपने पास में, थ्री साइड्स है। वर्टेक्स भी कितने इसके, थ्री वर्टेक्स है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले ब्लैंक में क्या आएगा अपना, थ्री साइड। फर्स्ट वाले ब्लैंक में क्या लिखना है आपको, थ्री साइड है। वर्टेक्स कितने इसके, वर्टेक्स भी अपने क्या है इसमें, थ्री। तो दोनों में क्या करना आपको, थ्री थ्री इसमें फिल करना है। नहीं लिखा है तो बेटा देखो फिल पूरा कंप्लीट कर देती है, उसके बाद आप देख के फिल कर लो। ए ट्राइंगल हैज थ्री साइड्स, ठीक है, एक ट्राइंगल के थ्री साइड्स होती है, एंड वर्टेक्स कितने होते हैं इसके, यहाँ पे दिखेगा बेटा देखो, तो थ्री ही इसके वर्टेक्स होते हैं। बी के अंदर ऑल फोर साइड्स ऑफ ए आर इक्वल इन लेंथ, लेंथ में फोर साइड उसकी क्या होती है, हमेशा इक्वल होती है। वो क्या होता है, उसका नेम क्या होता है, जिसकी फोर साइड्स क्या होती है, हमेशा इक्वल होती है। फोर साइड्स आर इक्वल देन स्क्वायर, तो उसका क्या नाम आएगा, स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा अपना ऑल फोर साइड्स ऑफ ए, तो आ जाएगा अपना स्क्वायर। तो सेकंड वाले में आपको किसकी स्पेलिंग राइट करनी है, स्क्वायर की। थर्ड में ए क्यूबॉइड हैज सिक्स फेस एज्ड एंड एट वर्टेक्स, तो इसके कितने होते हैं, सी में दिख रहा है बेटा आप लोगों को। यस मैम। ये क्यूबॉइड हैज सिक्स क्या होती है, उसके फेस होते हैं। देखो मैंने ये वाली पिक्चर्स आप लोगों को, यस मैम, जो पीछे शेप्स थी वो वाला होमवर्क आपको करवाया था कि आपको जब ये करना है तो ये पूरा पेज नंबर 99 पे आपको क्या करना है, पूरी जो शेप्स है, साइड है, वर्टेक्स है, फेसेस है, उन सबको क्या करना है आपको, अच्छे से देखना है। उसके बाद में ये सारे आपको क्या हो जाएंगे, लर्न होंगे। तो कितनी फेस होगी उसके, सिक्स फेसेस। तो यहां हम लिखेंगे 12 एज होगी उसके एंड एट वर्टेक्स हो गए उसके। चलो फिल करो, बुक में एक में आ जाएगा आपका 12 आएगा और एक में क्या आएगा, 8। ठीक है, अब डी में देखो, एंड बोथ हैव प्लेन एंड कर्व्ड सरफेस, जिसकी प्लेन और कर्व्ड सरफेस होती है वो क्या होता है, एक तो होता है सिलेंडर, ये देखो ये क्या बना अपना, सिलेंडर है, और ये क्या है अपना, स्फीयर। तो इन दोनों की जो शेप सरफेस है वो क्या होती है, हमेशा
प्लेन और कर्व्ड लाइन से ये बनी होती है, ठीक है। तो यहां पे फर्स्ट वाले में क्या लिखेंगे हम, सिलेंडर, और सेकंड वाले में एंड लिखा है, उसके बाद में आप लोग लिखोगे स्पेयर। ये लो फिल हुआ। अब है ई का, कॉनिकल ऑब्जेक्ट है, वन वर्टेक्स कॉनिकल होता है, यानी जो चोटीदार जो शेप्स होती है, यानी कोण वाली जो शेप है उसके क्या होता है, वन वर्टेक्स होते हैं, ठीक है। तो यहां आ जाएगा कॉनिकल ऑब्जेक्ट है वन वर्टेक्स, ठीक है। फिल किया आप लोगों ने। अब अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट क्वेश्चन में आपके फिल इन द ब्लैंक्स है, जो आपको अपने नोटबुक में इनको राइट करना है सम अप में। अ पैटर्न में गिवन बिलो आर द सीरीज मेड विथ द बेसिक शेप्स, कंटिन्यू दीज। आपके ए वाले में क्वेश्चन नंबर सेकंड है, देखो इसमें किसकी शेप बनी है, ये रेक्टेंगल, ट्रायंगल, उसके बाद फिर से रेक्टेंगल, फिर क्या है, ट्रायंगल। अब आपके पास में आपकी बुक में साइड में क्या है, यहां पे बनी है, तो आपको ये शेप है वो कंटिन्यू बनानी है। तो सबसे पहले मैंने क्या बनाया, रेक्टेंगल, उसके बाद में ट्रायंगल, उसके बाद फिर रेक्टेंगल, फिर ट्रायंगल। तो किसका टर्न आएगा वापस से, कौन से पैटर्न का आएगा अपने पास में, रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल। तो यहाँ पे रेक्टेंगल आपको बनाना है, और नेक्स्ट शेप क्या आ जाएगी अपनी, ट्राइंगल, ठीक है। आपको अपनी बुक में फिल करो, उसके बाद ये क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में भी राइट करना है। अभी आप लोग बुक में फिल बनाओ। फर्स्ट हो गया अपना ट्राइंगल, स्क्वायर एंड सर्कल, उसके बाद फिर रिपीट हुआ अपना ट्राइंगल, स्क्वायर एंड सर्कल। अब क्या आएगा अपना, सर्कल के बाद क्या आ रहा है वापस से, ट्राइंगल। तो यहाँ पे ट्राइंगल बनाना है, और नेक्स्ट शेप में क्या आ जाएगा, स्क्वायर। स्मॉल स्क्वायर हो गया, फिर क्या हो गया, लार्जेस्ट स्क्वायर, उसके बाद में फिर से उसने स्मॉल बनाया, फिर से लार्जेस्ट, फिर स्मॉल, फिर लार्जेस्ट। अब किसका टर्न आएगा अपने, वन तो इसमें आ जाएगा स्मॉल स्क्वायर, और एक वन क्या आ जाएगा, लार्जेस्ट स्क्वायर। चलो आराम, वीडियो ऑफ रखो बेटा। अब डी के अंदर फिर स्क्वायर, ये लो अपने बुक में फिल करो इनको सबको। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड, कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न को आपको कंप्लीट करना है। बनाया आप लोगों ने और स्टूडेंट ने, यस मैम। शेप आपको नीट एंड क्लीन बनानी है बेटा, अच्छी अच्छी शेप बनानी है और स्टूडेंट को।
मैम हमने तो बना लिया। मैम मैंने भी बना लिया। ओके बेटा, मैम मैंने भी बना लिया। अब अपना क्वेश्चन नंबर 3। ये ऑल क्वेश्चंस है, आपको अपनी नोटबुक में भी नीट एंड क्लीन शेप्स बनानी है। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। आप देखो यहाँ पे 1 सर्कल बना है, उसके बाद में 2 सर्कल बनाए, ठीक है। सेकंड वाले में उसने 1, 2 एंड 3 सर्कल बना दिए। थर्ड वाले में क्या करा उसने, 1, 2, 3 एंड 4। अब हमें जो बनाएंगे सर्कल उसमें कितने बनाने हैं, इसमें 2 बन गए, इसमें 3, 4। अब क्या बनाएंगे अपन लोग, 5। हाँ जी, 1, 2, 3, 4 एंड 5। नेक्स्ट में कितने आ जाएंगे, 5 के बाद में 6 बनाएंगे इसमें, तो यहाँ पे आ गया अपना 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो आप बेटा सुंदर सुंदर आप इसको फील बनाना, ठीक है ना। ड्राइंग है वो अच्छी वाली करना। अब अपना 4 वाला क्वेश्चन है, अरे द डॉट लाइन ए लाइन ऑफ सिमेट्रिकल राइट, यस वाई का मतलब होता है यस, 4 एंड एन का मतलब नो। आप फर्स्ट पिक्चर में क्या दे रखा है, डॉग बना रखा है, तो आप उसमें क्या आ जाएगा अपना, डॉग को देखो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रखा है क्या, देखो बेटा आप लोग कि उसने सिमेट्रिकल लाइन इसमें बना रखी है, डॉट वाली लाइन बना रखी है, उसमें जो डॉग है उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रखा है क्या, इसको देखो। अगर यस है तो यस लगाओ, नो है तो नो लगाओ। यानी यस है तो आपको क्या फील करना है इसमें, वाई, और नो है तो उसमें क्या करना है, एन। तो डॉग क्या है, सिमेट्रिकल पार्ट में डिवाइड नहीं है, उसमें क्या है, एक साइड में तो उसको एक्स्ट्रा दे रखा है, एक्स में कम दे रखा है, तो यहाँ वाले ए वाले बॉक्सेस में क्या आ जाएगा अपना, एन। क्या फील करोगे, एन। अब बी में क्या है, कार है, वो सिमेट्रिकल लाइन में है क्या, नो। तो यहाँ पे भी बी वाले में भी क्या आ जाएगा, अपने बुक में लिखो नो। अब उसके बाद में क्या दे रखी है, एम्बुलेंस दे रखी है, वो क्या है, इक्वल पार्ट में है क्या, तो क्या आ जाएगा, नो। अब आपकी डी में क्या दे रखी है, बॉल दे रखी है, जो किसमें कर रखा है उसको, सेम पार्ट में, यानी दोनों इक्वल साइड में है, तो यहाँ क्या आ जाएगा अपना, वाई, यस। फिर आपका यहाँ पे ये टी बोतल दे रखी है, तो वहां पे भी क्या आ जाए आपका, आपका ई में भी वाई, और नेक्स्ट में एफ में भी क्या आ जाएगा आपका, वाई, यानी यस। एक बार आप इसको देखो कि इक्वल पार्ट में डिवाइड है या नहीं है। अब अपनी एक्सरसाइज कौन सी है, 10 वाली है, मेजर ऑफ टाइम। तो इसमें आप जो वीकडेज नेम है एंड जो मंथ्स नेम है उन सभी को आपको लर्न करना है। वीकडेज नेम एंड मंथ्स नेम को आपको अपनी फेयर नोटबुक में राइट करना है। मैम कौन से वीकडेज नेम, संडे, मंडे, मैम
मंथ्स नेम जनवरी फरवरी। किधर है तो बेटा? तो बेटा ये तो आपको आते ही होंगे ना, मंथ्स नेम, मंथ्स नेम और वीक डेज नेम तो सब ऑल स्टूडेंट को आते ही हैं। तो आपको ऊपर एडिंग एडिंग डाल के उसमें वीक डेज नेम एंड मंथ्स नेम राइट करने हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है अपनी, मेरे को भी आते हैं। हाँ, और स्टूडेंट को क्या करना है, उसको राइट करना है में या फेयर में। अभी आप लोग, क्योंकि इसमें पहले आप लोग ये वर्क कंप्लीट करोगे 9.4 और समअप का, उसके बाद आपको फेयर नोटबुक में ही इसको कंप्लीट करना है, ठीक है? पहले आप एक्सरसाइज 9.4 और इसका समअप कंप्लीट करोगे, उसके बाद में नेक्स्ट पेज पे आपको मंथ्स नेम एंड वीक डेज नेम राइट करने हैं। मैम भी 9.4 है, उसके फर्स्ट क्वेश्चन ही लिखना है क्या? हाँ बेटा, इसमें तो फर्स्ट है ही, ओनली फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें तो फर्स्ट राइट करना है। और सेकंड वाले में समअप में आपको फिल इन द ब्लैंक्स है, ये शेप्स वाला है कंटिन्यू, और कंप्लीट द फिगर है, और ये पिक्चर वाले यस और नो, अगर आपके पास पिक्चर अवेलेबल है तब तो उसको पेस्ट कर लेना आप लोग पिक्चर को, है ना? आपके पास कोई जो रफ नोटबुक नहीं है क्या, बुक्स वगैरह, तो उसमें अगर हो तो, ठीक है? ओके बेटा, किसी को कुछ पूछना है और? मैम, हाँ तो ये कंप्लीट योर वर्क मैम। हाँ, और जो आपका कंप्लीट हो जाए वर्क, तो ये आप अपनी नोटबुक चेक करवाओगे बेटा ऑल स्टूडेंट, ठीक है? स्कूल में भिजवा देना बेटा, चेक कर देंगे।